सभी को नमस्ते। हमारी तरफ से सभी का स्वागत है इस सत्र में। जैसा राजुल भैया ने अभी ध्यान दिलाया कि लक्ष्य तो हमारा एक मानवीय समाज की स्थापना करना है, और ऐसे मानवीय समाज तक पहुंचने के लिए जो भी करना है, जो भी प्रोसेस होगा इस सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन का, उसको एंश्योर करना है। लेकिन उस मानवीय समाज को सुनिश्चित करने के प्रोसेस के रूप में अगर देखेंगे तो हम ऐसे काम कर सकें जिससे एक मानवीय समाज सुनिश्चित हो। उसके लिए जो भी किया जाना है वो टीम वर्क के रूप में किया जा पाएगा, क्योंकि जब व्यक्ति के स्तर का काम होता है तो व्यक्तिगत रूप से या पारिवारिक रूप से सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन जब समाज का स्तर का काम करते हैं तो उसको सामाजिक रूप से ही किया जाना बनता है, और उसके लिए निश्चित लोगों का समूह चाहिए, टीम चाहिए जो इस काम को कर सके। तो उसके दृष्टि से जो भी प्रोजेक्ट्स, जो भी एक्टिविटीज किए जाने जरूरी हैं, उसको हम लोग टीम के रूप में करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके लिए जो टीम है उसको तैयार करने का काम कर रहे हैं। अभी आगे देखते हैं तो ये पता लगता है कि ऐसी टीम तैयार करने का काम जो एक मानवीय समाज को सुनिश्चित करने के अर्थ में जो भी किया जाना है उसको कर सके विधिवत, उसके लिए ऐसे लोगों को तैयार करना जरूरी है जिसमें ये क्षमता है कि खुद में वो व्यवस्था में जी पा रहे हैं और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कर पा रहे हैं और अंतर्गतवा समाज की व्यवस्था में भागीदारी कर पा रहे हैं। तो ये जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का काम है, ये जो व्यक्ति के विकास का, व्यक्तित्व के निर्माण का जो काम है वो किया जाना जरूरी है। उसी के आधार पर हम टीम बना सकते हैं, ऐसे सार्थक टीम बना सकते हैं जो इस मानवीय समाज की रचना में जो निश्चित भागीदारियां हैं उसको पूरा कर सके। तो बहुत सारे सत्र भी हम लोग चला रहे हैं यूएचबी के तहत, जिसमें इस तरह के बहुत सारे एक्टिविटीज, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग टीम के माध्यम से कर रहे हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के दृष्टि से बहुत सारी टीम की मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज की मीटिंग हो रही है। लेकिन ये बात भी हम लोगों के ध्यान में है कि ये सारे का आधार जो है वो हमारा व्यक्तित्व का विकास, हमारे जो पर्सनालिटी है उसका विकास उसके कोर में होगा। उस दृष्टि से सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो सारे प्रयास का कोर है, और ये जो बैठक हम लोग महीने में एक बार रखने का विचार किए हैं और उस पर अभी ये पहली बैठक कर रहे हैं, वो मुख्य रूप से इस पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हम लोग फोकस रखेंगे। हमारा व्यक्तित्व का विकास होगा तो हम क्रम से टीम भी बना पाएंगे, और सामाजिक परिवर्तन के लिए, एक माननीय समाज के लिए काम भी कर पाएंगे। तो इस पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन को केंद्र में रखकर हम लोग अभी सारी बात करेंगे इस सत्र में, और हर महीने हम लोग मिल पाएंगे। तो अपना एक अनुमान के क्या हमको करना है, और फिर इस बात का मूल्यांकन कि उस दृष्टि से अभी हम कहाँ खड़े हैं और अगला स्टेप क्या होगा, इसको तय करने का काम इस सत्र में करेंगे। तो इतने को ध्यान में रखकर हम लोग बात करेंगे। फिर से मैं कह देता हूँ कि सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टीम, और टीम के ठीक से काम करने के लिए व्यक्तित्व का विकास है ना, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के अर्थ में ये सारा चर्चा हम लोग करेंगे, इस आधार पर कि सेल्फ डेवलपमेंट से टीम डेवलपमेंट हो पाएगा और उससे सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए हम काम कर पाएंगे। तो सेल्फ डेवलपमेंट को अगर देखें तो दो पर्सपेक्टिव से हम लोग सारी बात को देख सकते हैं। एक तो ह्यूमन बींग के पर्सपेक्टिव से देखना के बाद कि हम अपने को अगर केंद्र में एक है ना रखकर देखते हैं, एक व्यक्ति को, एक ह्यूमन बींग को केंद्र में रखकर देखते हैं तो हमारा जीना कैसा होगा,
इसके बारे में बात कर सकते हैं। दूसरा, पूरी प्रकृति को, पूरे अस्तित्व को केंद्र में रखकर देखते हैं तो हमारा जीना कैसा होगा और उसके लिए हमारी अपनी क्या तैयारी होगी। तो ये दो पर्सपेक्टिव से हम सेल्फ डेवलपमेंट के काम को देख सकते हैं। तो जो पहला पर्सपेक्टिव है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, एक व्यक्ति के दृष्टि से, एक मानवीय मानव के दृष्टि से देखने जाएंगे तो कैसा दिखता है, तो उसको देखेंगे तो मानव की जो चाहना है उसको पहचाने तो तीन चीजों को हम पहचान सकते हैं, जिस पर बहुत विस्तार से बात होती ही रही है, मैं उसको सिर्फ यहाँ पर रिकलेक्ट कर दे रहा हूँ। तो एक तो हम जीना चाहते हैं, दूसरा हम तृप्ति पूर्वक जीना चाहते हैं, और तीसरा हम निरंतर तृप्ति पूर्वक जीना चाहते हैं। और तृप्ति को पहचाने जाएंगे तो सुख और समृद्धि पूर्वक जीना चाहते। तो तीन चीजें, जीना एक बात है, सुख पूर्वक जीना एक और बात है, निरंतर तृप्ति पूर्वक जीना ये एक और बात है। तो अंततो गत्वा हम तो तीनों चाहते हैं, जीना भी चाहते हैं, तृप्ति पूर्वक जीना भी चाहते हैं, निरंतर तृप्ति पूर्वक भी जीना चाहते हैं। और अगर निरंतर तृप्ति पूर्वक जी रहे हैं तो उसमें बाकी दो शामिल हैं। तो ऐसा हम चाहते हैं कि नहीं, ये हम सब लोग वेरीफाई कर सकते हैं, इस पर बहुत सारा काम होता ही रहा है। इसमें देखेंगे तो जीना को सुनिश्चित करने के लिए अभी हम मानते हैं कि शरीर चला पाए, इसको जीना कह रहे हैं। तो शरीर चलाने के लिए सुविधा की आवश्यकता है। तो जो कम से कम जरूरत है हमारी वो है सुविधा। तो जीना के जो चाहना है उसको पूरा करने के अर्थ में सुविधा। फिर ध्यान देंगे तो ये दिखता है कि हम सिर्फ जीना चाहते हैं, इतना ही नहीं है, तृप्ति पूर्वक जीना चाहते हैं। तो जैसे ही तृप्ति पूर्वक जीने की बात सोचते हैं तो हम देख सकते हैं कि सुविधा हमारे पास कितनी भी हो, लेकिन जिनके साथ हम जी रहे हैं अगर उनके प्रति हमारा विरोध का भाव है तो हम सुखी नहीं रह पाते, तृप्त नहीं होते हैं। तो ये उदाहरण बार बार हम लोग लेते ही रहे हैं कि अगर एक एयर कंडीशन कमरे में बैठे, अच्छा कमरा है, एयर कंडीशन है, 21 डिग्री टेम्परेचर पर है, तो सुविधा पर्याप्त है, लेकिन जिनके साथ बैठे हैं उनके प्रति हमारा विरोध का भाव है। अगर ऐसा है तो हम देख सकते हैं कि हम अपने में तृप्त नहीं होंगे, सुखी नहीं होंगे। और कितनी भी टेम्परेचर कम कर लें एयर कंडीशन का, अगर भाव हमारा विरोध का है तो हम सुख सुनिश्चित नहीं कर सकते, हम दुखी ही रहेंगे। तो ये बात ध्यान में आती है कि सुविधा जरूरी है जीने के लिए, लेकिन सुखपूर्वक जीने के लिए, तृप्ति पूर्वक जीने के लिए सुविधा के साथ संबंध और संबंध का भाव भी जरूरी है। ये बात भी हम लोगों ने बहुत बार देखी है, इस पर बहुत सारी चर्चा हुई है, आप में से बहुत सारे लोग सेशन ले भी रहे हैं, फैसिलिटेट कर ही रहे हैं, तो ये बात ध्यान में आई है। फिर तीसरी बात यह है कि ये जो सुखपूर्वक जीना है उसकी हम निरंतरता चाहते हैं, तृप्ति पूर्वक जीना के निरंतरता चाहते हैं। तो संबंध पूर्वक सुखी होने की जो बात है उसमें हम देख सकते हैं कि संबंध का भाव हो, संबंध पूर्वक हम जीना चाह रहे हो, उस क्षण हम सुखी हों, लेकिन अगर हमारे संबंध के भाव की निरंतरता नहीं है, चाहे वो हमारे कारण हो चाहे दूसरे के व्यवहार के कारण हो, तो फिर अगले क्षण हमारा संबंध का भाव विरोध के भाव में बदल सकता है और हम दुखी हो सकते हैं। तो दूसरा हमारे साथ सही व्यवहार करता है या नहीं, परिस्थितियां अनुकूल है या नहीं, हमारे में संबंध का भाव बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि मैं संबंध को ठीक ठीक समझ पाता हूँ, स्वीकार पाता हूँ, और उस समझ के आधार पर मेरे में हर क्षण संबंध का भाव बना हुआ है। तो ये जो निरंतर तृप्ति पूर्वक जीना है इसके लिए आवश्यक है कि संबंध का भाव इस क्षण तो हो ही, लेकिन हमारी समझ
स्थिति ऐसी हो कि समझ के आधार पर मैं संबंध को हर क्षण स्वीकार्य रख सकूं और हर क्षण मेरे में संबंध का भाव बना रहे। तो इसलिए तीसरी जो चीज है जिसकी जरूरत है वो है समझ। तो निरंतर तृप्ति पूर्वक जीने के लिए समझ भी आवश्यक है, उसके आधार पर संबंध की स्वीकृति और संबंध का भाव आवश्यक है, और फिर सुविधा भी आवश्यक है। ये तीनों चीजें आवश्यक हैं। ये बात हम सबके ध्यान में है, लेकिन फिर भी मैं बार बार ये आग्रह रखूंगा कि आप इस बात को देख लें कि अपने को यह बहुत हर क्षण स्पष्ट रहता है कि नहीं, कि तृप्ति पूर्वक निरंतर तृप्ति पूर्वक जीने के लिए ये तीनों चीजें जरूरी हैं, समझ भी, संबंध भी और सुविधा भी। और ये बात भी स्पष्ट है कि नहीं कि इन तीनों के बीच में अगर प्रायोरिटी देखेंगे तो हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी की बात है सही समझ, उसके साथ दूसरी प्रायोरिटी की चीज है सही संबंध, संबंध का भाव, और तीसरी चीज है सुविधा। जरूरत तो तीनों की है, तीनों को हमको सुनिश्चित करना है, लेकिन उसका जो क्रम है, उसकी जो प्रायोरिटी है, वो समझ, संबंध और सुविधा, यही प्रायोरिटी बनती है, ना कि अदरवाइज। तो पहली बात तो यह है कि हर क्षण हम इस बात को ध्यान देकर देखते रहें कि हमारी मूलभूत आवश्यकता निरंतर तृप्ति पूर्वक जीना है, निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना है, ये हमको स्पष्ट है कि नहीं, और इसके अर्थ में हम सही समझ, सही भाव के साथ आवश्यकता से अधिक सुविधा को सुनिश्चित करने के काम में लगे हैं कि नहीं, और हमारी ये प्रायोरिटी स्पष्ट रूप से बनी हुई है कि नहीं। तो ये महत्वपूर्ण बात है इसको देखने की। तो इतने के साथ ये जो तीन चीजें बताई हम लोगों ने, समझ, संबंध और सुविधा, तीनों जरूरी है, इसको देखेंगे तो इसका मतलब निकलता है कि हमारे जीने का जितना फैलाव है उस फैलाव में हार्मनी क्या है, व्यवस्था क्या है, हम उसको समझ सकें, एक भाग है, और दूसरा हम व्यवस्था पूर्वक जी सकें, ये दो भाग हैं। तो सही समझ को देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग हार्मनी एट ऑल फोर लेवल्स, हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग, हार्मनी इन फैमिली, हार्मनी इन सोसाइटी, हार्मनी इन नेचर एंड नेचर। तो इतना हमारा जीने का फैलाव है, इन सब जगह व्यवस्था हमको समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडिंग का मतलब तो इन हार्मनी को हम समझते हैं तो हार्मनी पूर्वक जीते हैं। तो समझना इन चार लेवल पर है, जीना भी इन चार लेवल पर है। तो लिविंग इन हार्मनी एट ऑल लेवल्स ऑफ बीइंग, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेचर एंड नेचर। इसी को ब्रॉडली देखेंगे तो दो भाग में बांट सकते हैं, एक तो मानव के साथ संबंध पूर्वक जीना और दूसरा शेष प्रकृति के साथ संबंध पूर्वक जीना। तो जो मानव के साथ संबंध पूर्वक जीना है उसी के लिए भी हम लोग ये संबंध की बात कर रहे थे, तो रिलेशनशिप विथ ह्यूमन बीइंग। और जो शेष प्रकृति के साथ संबंध पूर्वक जीना है उसके एक आउटकम के रूप में देखेंगे तो सुविधा हमको प्राप्त होती है शेष प्रकृति से, तो फिजिकल फैसिलिटी विथ रेस्ट ऑफ नेचर। तो बेसिकली जो रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटी का मुद्दा है, वन इज रिलेटेड टू लिविंग इन हार्मनी विथ ह्यूमन बींग, दी अदर इज रिलेटेड टू लिविंग इन हार्मनी विथ दी रेस्ट ऑफ नेचर। तो समझना और जीना, तो सही समझना सही जीना, सही समझने का जो विस्तार है स्वयं से लेकर परिवार, समाज और पूरी प्रकृति अस्तित्व तक व्यवस्था पूर्वक को समझना है। जीने का जो विस्तार है वो मानव के साथ संबंध और व्यवस्था पूर्वक जीना है और शेष प्रकृति के साथ संबंध और व्यवस्था पूर्वक जीना है। इतने को हम सुनिश्चित करते हैं तो हम अपने में समझ और संबंध पूर्वक जीते हुए खुद सुखी रहते हैं, दूसरों के सुखी होने के लिए काम करते हैं, खुद हम अपनी आवश्यकता को पहचान कर उससे अधिक
सुनिश्चित करते हुए समृद्ध रहते हैं और दूसरों को भी समृद्ध करने के लिए याद करते हैं। तो इस अर्थ में हम म्यूचुअल हैप्पीनेस के लिए और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी के लिए काम कर पाते हैं। तो ये बात हमको अपने में अब जांचने की जरूरत है कि हमारे जो समझ की बात है, अपने को समझने से लेकर स्वयं में व्यवस्था को समझने से लेकर परिवार की व्यवस्था, समाज में व्यवस्था, पूरी प्रकृति में और अस्तित्व में व्यवस्था, ये सबको मैं समझ पा रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि इसमें से जो भी चीज को मैं समझ नहीं पाऊंगा उसके प्रति हमारा भाव बिगड़ने की संभावना बनी रहेगी और उसके कारण हमारे में दुख होता रहेगा। इसी तरह से इस बात को जांचने की जरूरत है कि इन सभी जगह मैं संबंध पूर्वक जी पा रहा, मैं व्यवस्था पूर्वक हार्मनी में जी पा रहा हूँ कि नहीं। तो स्वयं में मैं हार्मनी में हूँ कि नहीं, व्यवस्था में हूँ कि नहीं, परिवार में व्यवस्था पूर्वक हूँ कि नहीं, समाज में व्यवस्था पूर्वक जी रहा हूँ कि नहीं, पूरी प्रकृति और पूरी अस्तित्व में व्यवस्था पूर्वक जी रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि जहां भी हम व्यवस्था पूर्वक नहीं जी पाएंगे वहां हम खुद परेशान होंगे, दूसरों को परेशान करेंगे, खुद अतृप्त रहेंगे, दूसरों के अतृप्ति का कारण बनेंगे। तो इतना है फैलाव हमारे जीन समझने का और जीने का, और हर जगह हमको इसको सुनिश्चित करना जरूरी है। तो हर जगह हमको ये अलर्टनेस चाहिए अपने में कि मैं स्वयं में व्यवस्था को समझता हूँ, परिवार में व्यवस्था को समझता हूँ, समाज प्रकृति और अस्तित्व में व्यवस्था को समझता हूँ उसकी संपूर्णता में, और हर एक के साथ जो हमारा जीने का भाव है वो तो संबंध और व्यवस्था के अर्थ में है, और जब भी परस्परता में मैं निर्वाह करता हूँ तो संबंध के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में, अस्तित्व के अर्थ में ही निर्वाह करता हूँ। किसको अपने में हर क्षण हमको जांच कर देखना है। इसमें ये बात ध्यान में रहे कि समझ वाला जो भाग है और भाव वाला जो भाग है वो हर क्षण अपने में सुनिश्चित होना जरूरी है। जो बाहर हम निर्वाह करते हैं वो ऐसे भी हमारा जीने का 1% रहता है, वो 1% भी हम सही निर्वाह करते हैं कि नहीं ये जांचने की जरूरत है। तो अपने में सही समझ हर क्षण बनी रहे को जांचना है, हमारा सही भाव हर क्षण बना रहे को जांचना है, और इसके आधार पर जब भी हम परस्परता में व्यवहार करते हैं जो हमारे जीने का 1% से भी कमी होता है, तब हमारा व्यवहार कार्य और व्यवस्था में भागीदारी सही है कि नहीं इस बात को जांचना। तो ये तो अभी अपने को हर क्षण जांचते रहने का काम। तो एक व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, एक ह्यूमन बीइंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये दिखता है कि हमारी चाहना निरंतर सुख और समृद्धि की है, निरंतर तृप्ति पूर्वक जीने के लिए है, जीने की है, और उस चाहना को पूरा करने के लिए हमको सही समझ, संबंध और सुविधा तीनों की जरूरत है। और ये दिखता है कि सही समझ का जो पूरा फैलाव है, सही जीने का जो पूरा फैलाव है, वो अपने से लेकर पूरे अस्तित्व तक के लिए है। तो स्वयं से लेकर पूरे अस्तित्व को समझना, उसकी व्यवस्था को समझना, और उस व्यवस्था में हम कैसे जी सकते हैं, कैसे मेरे में हर क्षण संबंध और व्यवस्था का भाव बना रह सकता है, हम सुखी रह सकते हैं, और सुख पूर्वक इनके साथ कैसे संबंध और व्यवस्था का निर्वाह कर सकते हैं, ये हमारा निरंतर सुखपूर्वक जीने का ढंग हो सकता है। तो बात शुरू अपने से होती है लेकिन बात अस्तित्व तक जाती है, पूरे प्रकृति तक, अस्तित्व तक जाती है। तो ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। हम लोगों ने निर्णय पूर्वक अपने सारी चर्चा में, यूएचबी की चर्चा को देखेंगे तो निर्णय पूर्वक ये अप्रोच लिया है, क्योंकि हम सब लोग बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं, बहुत व्यक्तिवादी हो गए हैं, हमारी सारी शिक्षा हमको बहुत व्यक्तिवादी बना देती है, हमारा सोचने का ढंग है कि हमको क्या मिलता है इससे। तो सारी प्रस्तुति अगर देखेंगे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की तो इसी से शुरू होती है, इसी लाइन पर आगे बढ़ती है कि मेरा चाहना क्या है एक व्यक्ति के रूप में और उस चाहना को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो शुरुआत वहां से होती है लेकिन जाती है वो पूरे प्रकृति और अस्तित्व तक, क्योंकि हम अकेले तो है नहीं, हम तो जुड़े हुए हैं, दूसरे मानव के साथ जुड़े हुए हैं, तेज प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, प्रकृति के हर इकाई के साथ जुड़े हुए हैं, पूरे अस्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारे खुद के आवश्यकता को पूरा करने के अर्थ में जरूरी है, ऐसा हमको दिख जाता है।
ये पूरा काम है जिसको हम लोग वहां तक पहुंचते हैं, वहां से शुरू नहीं करते हैं। लेकिन एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि हम पूरे अस्तित्व को देखें, पूरी प्रकृति को देखें, और इस अस्तित्व में मेरा जो होना है, मानव का जो होना है उसको देखें, और उसमें जो मानव की भागीदारी है उसको देखें। ये दूसरा पर्सपेक्टिव हो सकता है। परंपरा में देखेंगे तो बहुत सारे जो बहुत सारे साधक उनका ये पर्सपेक्टिव है कि उनको ये आवश्यकता दिख गई कि अंततः गत्वा तो पूरी प्रकृति को, पूरे अस्तित्व को समझना जरूरी है, और ये समझना जरूरी है कि हम आप सभी उस प्रकृति के अभिन्न अंग हैं, उस अस्तित्व की अभिन्न इकाइयां हैं। तो बात तो पूरे प्रकृति, पूरे अस्तित्व से शुरू की जानी चाहिए। उसमें अपने होने को समझना जरूरी है, और उस अस्तित्व में, उस प्रकृति में हमारी क्या भागीदारी है इसको समझना जरूरी है। तभी हम ठीक-ठीक अपने होने को भी पहचान पाएंगे, और अपनी जो भागीदारी है इस अस्तित्व में, इस प्रकृति में, उसको भी ठीक-ठीक पहचान पाएंगे। ये दूसरा पर्सपेक्टिव हो सकता है। ठीक है, ये अंतर समझ में आ रहा है? राजू भाई एक स्लाइड पीछे जाए, पीछे जी। तो ये बात का अंतर समझ में आ रहा है कि आप, हम एक व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं या पूरे अस्तित्व के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। ये दो ढंग हो सकता है, पहुंचेंगे हम उसी जगह पर दोनों से ही, लेकिन ये दो अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। ये समझना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे दर्शन, बहुत सारे विचार जो है ये दूसरे पर्सपेक्टिव से भी शुरू होते हैं, और इसलिए कई बार हमको इररिलेवेंट लगते हैं, हम उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाते कि ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बात क्यों कर रहे हैं। ये पूरी प्रकृति के बारे क्यों बात कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड के बारे क्यों बात कर रहे हैं, ब्रह्म के बारे क्यों बात कर रहे हैं, हमको क्या लेना देना ब्रह्म से, सृष्टि से क्या लेना देना, समष्टि से क्या लेना देना। हम तो खुद अपने जीने के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का क्या मतलब है, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं अभी, क्योंकि उनका जीना तो बहुत व्यक्तिवादी हो गया है, बहुत संकीर्ण हो गया है, कुछ संकीर्णता के साथ सोच रहे हैं। ठीक है ना, और उस संकीर्णता के साथ सोचते हुए उनको लगता है कि इतना बड़ा सोचने की जरूरत ही क्या है, ये तो जिनके पास बहुत खाने पीने को है और खाली टाइम है उनके लिए है ये काम। लेकिन ध्यान से देखेंगे और आगे भी इस पर हम लोग बात करेंगे तो ये दिखेगा कि ये दोनों एक ही बात कर रहे हैं। अगर संपूर्णता में देखने जाएंगे तो व्यक्ति से शुरू करें या पूरे अस्तित्व से शुरू करें, है ना, पहुंचेंगे हम एक ही जगह, निष्कर्ष एक ही निकलेगा। ठीक है, इसको ध्यान में जरूर रख लीजिए, तब आप बहुत उदार हो पाएंगे इन बाकी दर्शनों के प्रति भी, बाकी विचारों के प्रति भी, बाकी जो भी लाइफ स्टाइल्स की बात हुई है पास्ट में या अभी हो रही है, उन सब के बारे में आप एक उदारता रख पाएंगे, उनको उस पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे। तो इसके साथ देखते हैं तो ये पता लगता है कि ये जो पूरा अस्तित्व है वो कैसा है उसको देखा जाए, उस अस्तित्व में मानव का होना क्या है उसको देखा जाए, और इन दोनों के आधार पर मानव का आचरण क्या होगा इस अस्तित्व में इसको देखा जाए। तो उस काम को अभी हम लोग कर रहे हैं, ना। तो आप में से सारे लोग, मैं मानता हूं कि कम से कम प्रारंभिक परिचय शिविर से और UHV 2 से गुजरे हुए हैं, तो उस केस में हम ये देख पाए होंगे कि पूरा अस्तित्व जो है वो सअस्तित्व के रूप में है। कम से कम ये प्रस्ताव हमने सुना ही होगा कि पूरा अस्तित्व जो है वो सअस्तित्व के रूप में है, और सअस्तित्व का जो रूप है वो शून्य में इकाइयां, शून्य में संपृक्त इकाइयों के रूप में है। तो बोलते देखेंगे तो शून्य है और शून्य में इकाइयां हैं। इकाइयों को देखेंगे तो दो प्रकार की इकाइयां दिखती हैं, जड़ इकाइयां और चेतन इकाइयां। उसके उदाहरण के रूप में मानव को समझने का काम हम लोगों ने किया। तो
जड़ इकाइयां हैं और चैतन्य इकाइयां हैं, और अगर उसको फैलाएंगे तो जड़ इकाइयों का जो फैलाव है वो पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था के रूप में, फिजिकल ऑर्डर और बायो ऑर्डर के रूप में। फिजिकल ऑर्डर को फैलाएंगे तो छोटे से छोटे परमाणु से लेकर अणु से लेकर अणु रचना से लेकर ग्रह गोल तक है। प्राण अवस्था को फैलाएंगे तो छोटे से छोटे सेल से लेकर पेड़ पौधे तक, फिर पशु के शरीर और मानव के शरीर तक है। और पशु का शरीर चलाते हुए चैतन्य इकाई को देखेंगे, मय को देखेंगे तो जीव अवस्था है, और मानव का शरीर चलाते हुए चैतन्य इकाई को देखेंगे तो ज्ञान अवस्था है या मानव है। इतना सारा अस्तित्व में हो ही गया है, तो अस्तित्व पूर्वक इसमें हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ अस्तित्व पूर्वक हो ही रहा है, हो ही गया है। तो ये बात ध्यान में आती है कि ये सारा कुछ अभी तक मानव के होने तक सब कुछ हो ही गया है, हमको बनाना नहीं है, हमको इसमें कुछ करना नहीं है। आप अपने लिए भी देखेंगे तो आपने अपने शरीर के होने के लिए कुछ नहीं किया, अपने मय के होने के लिए कुछ नहीं किया, इन दोनों के अस्तित्व के होने के लिए कुछ नहीं किया। तो शरीर का होना अस्तित्व पूर्वक हुआ, मय का होना अस्तित्व पूर्वक हुआ, इन दोनों के अस्तित्व का होना भी अस्तित्व पूर्वक हुआ। अब ये सब कुछ है, इसके साथ मैं कुछ कर रहा हूं, ये बात हमको दिखती है या नहीं? आप अपने से पूछिए कि आपने अपने शरीर के होने के लिए क्या किया? अपने मैं के होने के लिए क्या किया? इन दोनों के अस्तित्व के होने के लिए क्या किया? कोई व्यक्ति अगर इसके लिए कुछ किए हो तो बताएं। ये सब है अस्तित्व पूर्वक, तब हम कुछ कर रहे हैं। ये सब अस्तित्व पूर्वक है तब हम कुछ कर रहे हैं, या आपने कुछ किया है इसके पहले, इसके होने के लिए कुछ किया हो तो बताइए। जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तो हमने कुछ नहीं किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें इस पर अभी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, हमको अभी देखना पड़ेगा कि कुछ किया कि नहीं किया। हम मानते रहते हैं कि अभी हम ही सब कुछ करते हैं, है ना? हम मानते हैं कि हम ही सब कुछ करते हैं, लेकिन अभी तक हमने अपने होने के लिए कुछ नहीं किया। तो अस्तित्व पूर्वक ये सब हो रहा है, तो धीरे धीरे ध्यान देंगे तो ये समझ में आएगा कि ये जो जितना पीले रंग में दिख रहा है ना, ये सब हो चुका है, हो ही रहा है, उसके लिए हमने कुछ किया नहीं और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। इनके साथ आप छेड़छाड़ ना करें, यही बहुत। ठीक है ना? करना क्या है तो उसको अगर देखेंगे तो ये पता लगता है कि अस्तित्व में इतना तो हो ही गया है, ठीक है ना? हमको क्या करना है तो ये नीचे में जो लिखा हुआ है ना, वायलेट कलर में जो लिखा हुआ है, इतना करने का काम। तो एक काम करना है, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग को इंश्योर करना, और दूसरा काम करना है कि इसके साथ अपने में हम कैसे ह्यूमन कंडक्ट के साथ, मानवीय आचरण के साथ जी सकें, इसको सुनिश्चित करना। तो अपने में सही समझ सुनिश्चित हो जाए, उसके आधार पर सही भाव विचार सुनिश्चित हो जाए,
तो हम अपने में आराम में रह सकते हैं, आराम में रहते हुए परस्परता में सही भाव विचार के साथ जी सकते हैं। तो सही समझ और सही भाव को सुनिश्चित करना, ये मेरा मुख्य काम है। उसके साथ परस्परता में कैसे निश्चित आचरण के साथ जी सकते हैं हम, उसको स्पष्ट रखना जरूरी है। इसी को भाषा में, दूसरी भाषा में कहा है सही समझ और सही भाव विचार, उसी को कहा ज्ञान और समाधान, इतने को सुनिश्चित करना। सो ओनली दिस पार्ट इज रिमेनिंग एंड इट हैज टू हैपन इन दिस सेल्फ बाय दिस सेल्फ। और ये भी जो काम करना है ना, ये इंटरेस्टिंग देखेंगे तो इसका मेजर भाग अपने में होना है। सही समझ कहाँ होना है, मैं में कि शरीर में? तो मैं में होना है। सही भाव सही विचार कहाँ होना है, मैं में होना है या शरीर में होना है? तो मैं में होना है। तो मेजर भाग तो मेरे में होना है, उसका कोई 1% हम बाहर व्यक्त करते हैं अपने व्यवहार में, कार्य में, व्यवस्था में, भागीदारी में। तो जब भी हम 1% में व्यक्त करेंगे तो भी इसी के अर्थ में करेंगे। अगर हमारा समझ ठीक है, हमारा भाव ठीक है, हमारा विचार ठीक है, तो बाहर जो व्यक्त होगा व्यवहार कार्य के रूप में, वो तो ठीक ही होगा। तो मेजर काम तो मैं में होना है, सेल्फ में होना है, ठीक है ना? तो पूरे अस्तित्व के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो अस्तित्व सअस्तित्व पूर्वक है, व्यवस्था पूर्वक है, संबंध पूर्वक है। सअस्तित्व व्यवस्था संबंध पूर्वक मेरा होना है, मानव का होना है। और मानव के लिए काम क्या है, तो इस सअस्तित्व व्यवस्था संबंध को समझना है, और सहस्तित्व व्यवस्था संबंध के अर्थ में अपने भाव विचार को सुनिश्चित करना, और सहस्तित्व व्यवस्था संबंध के अर्थ में ही अपना व्यवहार कार्य व्यवस्था में भागीदारी करना। तो इस बात को यहाँ लिखा गया है, द एग्जिस्टेंस इज ऑलरेडी बाय वे ऑफ को एग्जिस्टेंस हार्मनी एंड रिलेशनशिप। आई हैव ए नेचुरल एक्सेप्टेंस फॉर को एग्जिस्टेंस हार्मनी एंड रिलेशनशिप। इस बात को भी आप देख सकते हैं कि हम में से हर एक को सहस्तित्व व्यवस्था संबंध का भाव ही सह स्वीकार होता है, अन्यथा नहीं होता है। और उसका कारण यह है कि हम सहस्तित्व व्यवस्था संबंध पूर्वक ही हमारा होना हुआ है, यही सहस्तित्व का ढंग है, यही अस्तित्व के होने का ढंग है, यही हमारे होने का भी ढंग है। इसीलिए हमको सह स्वीकार है सहस्तित्व व्यवस्था संबंध का भाव। इसलिए हमको क्या करना है, तो हमको सहस्तित्व व्यवस्था संबंध को समझना है, सहस्तित्व व्यवस्था संबंध के अर्थ में अपने भाव विचार को सुनिश्चित करना है, और उसी के अर्थ में अपना व्यवहार कार्य व्यवस्था में भागीदारी करना है जब भी हम बाहर व्यक्त हो रहे हैं। तो दो मेजर काम है जो अपने में होना है सेल्फ में, एक तो सहस्तित्व व्यवस्था संबंध को समझना, दूसरा सहस्तित्व व्यवस्था संबंध के अर्थ में अपने भाव विचार को सुनिश्चित करना। ये दोनों काम अपने में होना है, सेल्फ में होना है। इतना हो जाए तो हम हर क्षण अपने में आराम में रह सकते हैं, संगीत में रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। और तीसरा जो काम है बाहर व्यक्त होने का, वो भी सहस्तित्व व्यवस्था संबंध के अर्थ में ही होगा, ठीक है ना? तो वो काम जब भी हम कर रहे हैं बाहर व्यवहार कार्य व्यवस्था में भागीदारी, तो इसी अर्थ में करना है। लेकिन वो हमारे जीने का 1% ही है, और अगर अंदर 100% ठीक चल रहा है तो बाहर वो 1% ही ठीक चलेगा। तो इतना हमारे लिए करना बनता है अगर हम पूरे अस्तित्व के प्रकृति के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो, ठीक है ना? तो अस्तित्व व्यवस्था संबंध पूर्वक ही सारा अस्तित्व है, हमको भी अस्तित्व व्यवस्था संबंध का भाव ही सह स्वीकार होता है। अगर मैं अस्तित्व व्यवस्था संबंध को समझ लेता हूँ तो मैं सुखी होता हूँ। हर क्षण मेरे में संबंध व्यवस्था अस्तित्व का ही भाव विचार चलता है तो मैं सुखी रहता हूँ। इस प्रकार मेरा सुख सुनिश्चित हो जाता है। इसके साथ जब भी मैं बाहर व्यक्त होता हूँ व्यवहार कार्य व्यवस्था में भागीदारी के लिए, तो संबंध व्यवस्था अस्तित्व के अर्थ में ही होता हूँ, इतना सुनिश्चित करने का मेरा काम है, ठीक है ना? तो पर्सपेक्टिव चाहे हम व्यक्ति से शुरू करके अपने जीने को देखें और जीने के रास्ते को तय करें, या पूरे अस्तित्व के पर्सपेक्टिव से शुरू करें,
पूरे अस्तित्व में के होने को देखें, अस्तित्व में मानव के होने को देखें और उसमें मानव को कैसे जीना है इसको देखें। निष्कर्ष तो एक ही है, निष्कर्ष यह है कि अस्तित्व सअस्तित्व पूर्वक है, व्यवस्था पूर्वक है, संबंध पूर्वक है। हमको इस अस्तित्व व्यवस्था संबंध को समझना है, उसके अर्थ में भाव विचार करना है, उसके अर्थ में व्यवहार कार्य व्यवस्था में भागीदारी करना है। ऐसा करते हैं तो हम हर क्षण अपने में सुखी रहते हैं, तृप्त रहते हैं, समृद्ध रहते हैं और निरंतर अपने में तृप्त रहते हुए, सुखी समृद्ध रहते हुए दूसरों के तृप्ति के लिए, दूसरों के सुख समृद्धि के लिए काम करते हैं, जिससे उभय तृप्ति सुनिश्चित होती है। इतना निष्कर्ष, चाहे आप व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से शुरू करें या पूरे अस्तित्व के पर्सपेक्टिव से शुरू करें, निष्कर्ष एक ही है। अभी तक जो भी प्रयास हमने मानव ने किए हैं अस्तित्व को समझने के, जीने के, या स्वयं को समझने और जीने के, उन सब का निष्कर्ष यही है। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि अभी तक जो भी मानव ने प्रयास किया उसका निष्कर्ष यह है कि हम सत्य को समझ लें, सत्य के आधार पर हमारा भाव बन जाए प्रेम का, हर एक के प्रति संबंध व्यवस्था अस्तित्व का, और उसके आधार पर हर एक के साथ हमारा संबंध व्यवस्था अस्तित्व पूर्वक जीने का विचार बन जाए, जिसको करुणा कहा। मुख्य बात यह है सत्य, प्रेम और करुणा। सत्य क्या मतलब है? इस बात को समझ लेना कि अस्तित्व सअस्तित्व व्यवस्था संबंध पूर्वक है, यही सत्य है। उसके आधार पर अपने में सअस्तित्व व्यवस्था संबंध का भाव बन जाना, यही प्रेम है। उसके आधार पर हर क्षण सअस्तित्व व्यवस्था संबंध पूर्वक जीने का ही विचार हो, यह करुणा है। तो सत्य, प्रेम और करुणा, ये मूलभूत जो है समझ है हमारी। पूरे अस्तित्व से शुरू करें तो भी, मानव से शुरू करें तो भी, अगर हमको निरंतर तृप्ति पूर्वक जीना है तो उसका रास्ता यही है कि सत्य को समझे, सत्य के आधार पर हमारे में प्रेम का भाव हो और प्रेम पूर्वक हम परस्परता में करुणा पूर्वक जीने का विचार करें, आवश्यकता अनुसार उसका निर्वाह करें। यही मेरे भी सुखी होने का आधार है, दूसरे के सुखी होने का आधार है, मेरे समृद्ध होने का आधार है, दूसरे के समृद्ध होने का आधार है, सभी के समृद्ध और सुखी होने का आधार है। तो इतनी बात मेरी तरफ से आज रखी जानी थी।